सो हाय एवरीवन। तो सॉरी मैंने डिले किया, बट चैप्टर्स को मैं थोड़ा सोच रहा था कि किस क्राइटेरिया पे लिए जाए। ये अकेला नहीं रहता क्राइटेरिया कि लास्ट ईयर कितने क्वेश्चन आए थे, बट ओवरऑल ऐसा भी देखना चाहिए कि इस बार आ कितने सकते हैं। और कई चैप्टर ऐसे होते हैं जिनसे क्वेश्चन आने ही हैं, तो मैंने चैप्टर्स की कुछ लिस्ट बनाया हूँ। पहली चीज़ तो आपको ये करनी है कि सारे चैप्टर्स को एक मिनिमम लेवल तक तो कर लेना है। यदि इजी क्वेश्चन आया, या इजी तो नहीं बट प्रोसीजरल क्वेश्चन आया, तो वो आपसे हो जाए। और सेकेंडली ये चीज़ सबसे काम पड़ी थी मुझको भी, और आप लोग भी करना, कि एडवांस जो प्रीवियस ईयर है, लाइक आपने लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर दिए, तो उनमें से आप देखो कि हर चैप्टर से कौन से टॉपिक पूछे हैं, भले ही चैप्टर वाइज आप देख लो। और उन टॉपिक को, यदि वो रिपीटेटिव टॉपिक है, उनको स्ट्रॉन्ग करो। जैसे यदि आपको समझ में आया कि हाँ, इनऑर्गेनिक में जो भी टॉपिक दिए हैं सिलेबस के बाहर से, उनकी रिएक्शन भी आती है, वो क्लास नोट्स में है, तो उनको ज़्यादा फोकस से पढ़ लो। या फिर आपको समझ में आया कि इंटीग्रेशन में वो ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो उसको इंक्लूड कर लो। नाउ मूविंग टू चैप्टर वाइज स्ट्रेटजी। तो मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स में ज़्यादा क्वेश्चन किससे आते हैं, कोऑर्डिनेट्स बहुत क्वेश्चन आते हैं। कोऑर्डिनेट में क्या करना है, आप कोऑर्डिनेट आपके फॉर्मूले बेसिस अच्छे से कवर कर लो, बहुत सारे फॉर्मूले होंगे, उनको समझ लो किस तरह से आ रहे हैं, और उनसे क्वेश्चन डायरेक्ट भी हो जाते हैं। मतलब कई बार खराब क्वेश्चन आप दे ही देते हैं एडवांस, बट बहुत बार वो क्वेश्चन डायरेक्ट भी होता है कि आप थोड़ा सा कुछ भी जो क्लास नोट्स में पढ़ाया है वो लगाओगे और सॉल्व क्वेश्चन हो जाएगा। सेकेंड चैप्टर है डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्वेश्चन के होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, बट क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 100% रहती है। प्लस इसमें आप टाइम दोगे तो आगे भी आपको चैप्टर्स में हेल्प करेगा ही। कॉम्प्लेक्स नंबर, अगेन इसमें ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस को बहुत पूछता है, या फिर उनमें कुछ भी सब्स्टिट्यूट करके जो एक अपन ज्योमेट्री फाउंड करते हैं, उससे क्वेश्चन जल्दी होता है, तो उसकी आप प्रैक्टिस करो। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि आप अपने मन से कोई भी मैट्रिक्स बनाओगे और वो यदि उस पर सही से सेट हो रहा है, तो उससे आपका आंसर जल्दी आ जाता है। लाइक मैंने ऐसे क्वेश्चन किया था, 21 में ऐसे क्वेश्चन आए थे, 2019 में भी ऐसे क्वेश्चन आए थे, वो आप क्वेश्चन लगा लगा के देख लेना। वेक्टर थ्योरी, अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी चैप्टर है, इससे मार्क्स तो निकालना ही चाहिए। जैसे इसमें क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली जो क्लास नोट्स में है उसी सोर्स के आएगा, डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाता है उल्टा। और कई चैप्टर्स और लाइक प्रोबेबिलिटी है, पीएनसी है, इनसे क्वेश्चन आते हैं, बट इनमें ये प्रॉब्लम होती है कि इनका क्वेश्चन हार्ड होता है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, मिनिमम लेवल तक कर लो, और उसमें भी देखो कि किस चैप्टर से कौन से टॉपिक से ज़्यादा पूछ रहा है। नाउ मूविंग टू फिजिक्स। फिजिक्स में यदि आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, लाइक काइनेमेटिक्स अच्छा है, एनएलएम अच्छा है, फ्रिक्शन अच्छा है, तो इनसे मिलजुल के एक दो क्वेश्चन आ जाता है और वो मार्क्स दे भी देता है। यूनिट डायमेंशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लाइक क्वेश्चन एक से दो क्वेश्चन पूछते ही हैं यूनिट डायमेंशन एंड एरर से, और वो क्वेश्चन को भी जाते हैं। रोटेशनल मोशन इंपॉर्टेंट है, बट उससे क्वेश्चन होना मुश्किल रहता है, सो बेसिक तो आना चाहिए आपको, और प्रीवियस ईयर देख लो। डॉपलिंग पढ़ के जा सकते हो। ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। रे ऑप्टिक्स में तो मोस्ट प्रोबेबली टाइम ज़्यादा लेगा, लेकिन क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, सॉल्व भी आराम हो जाते हैं। सिमिलरली वेव ऑप्टिक्स में भी यदि आपने पूरी प्रोसेस पढ़ के रखे हैं या डेरिवेशन अच्छे से किए हैं, तो क्वेश्चन हो जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको तो छोड़ने नहीं है। फॉर्मूला बेस्ड तक क्वेश्चन आ जाते हैं, और नॉर्मल भी यदि आप थोड़ा दिमाग लगाते हैं तो मॉडर्न फिजिक्स क्वेश्चन हो जाएंगे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अच्छे से कर लो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी बहुत बार तो क्वेश्चन को पूछता है कि सॉलिड एंगल से जो हो जाते हैं। और यदि ग्रेविटेशन, यदि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से हो गया, तो ग्रेविटेशन भी लगे हाथ हो ही जाता है। थर्मोडायनेमिक्स में, पूरे थर्मो फिजिक्स में ही अच्छा ध्यान देना, कि टाइम बहुत कम लेता है, लाइक एक वीक में आप उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो एडवांस लेवल तक के लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगा के। और थोड़े वैरायटी के क्वेश्चन, जैसे मैंने फिजिक्स गैलेक्सी में सर के एडवांस इलेक्ट्रेशन की बुक है वो लिख दिया था, तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देख सकते हो उसमें। ईएमआई इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन भी बहुत बार बन जाते हैं। और करेंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर एसएचएम पे, इन सब से भी क्वेश्चन आते हैं। करेंट इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कर लेना, बिकॉज वो आपको थर्मो में भी हेल्प देगा, तो उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और दूसरी बात यह है कि एसी भी क्वेश्चन आता है और वो भी जाता है। नाउ मूविंग टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में देखो, फर्स्ट में कुछ ऑर्गेनिक में पूरा ही करना पड़ेगा, और वो ऑर्गेनिक ऐसा सब्जेक्ट है कि यदि आपने उसको पूरा कर लिया है और थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर ली है, तो वो आपको मार्क्स देके जाती है। मतलब थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो तो मार्क्स दे देगी, तो ऑर्गेनिक में पूरा ही कर लो। इनऑर्गेनिक में
मैं बोलूँगा कि एनसीईआरटी को फर्स्टली कवर कर लो, और वो भी तुम पीडीएफ में जो भी है जैसे भी सिलेबस निकाल लो, और उसमें देखो कि कौन कौन से टॉपिक्स है वो क्वेश्चन, मतलब कौन से टॉपिक सिलेबस में मैंशनड है उन्हीं को करना है। सेम ऑर्गेनिक में भी करना है, ऑर्गेनिक में बहुत ज़बरदस्ती की एक्शन सब कोचिंग वाले कराते हैं, हमको भी कराए थे, बट वो ऐसा रहता है कि वो नेसेसिटी नहीं है, वैल्यू एडिशन है। तो जिसका मतलब जो अभी थोड़ा सा भी बैकलॉग चल रहा है इसका, या फिर ठीक कंडीशन नहीं चल रही, फर्स्टली वो सिलेबस वाला पॉइंट सारे कवर करो। सेम इनऑर्गेनिक में भी सिलेबस वाले सारे कंपाउंड्स कवर कर लो, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, ये सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये वाले इनऑर्गेनिक हैं, बट ये रटने वाले उतने नहीं है। मतलब इनकी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस अच्छे से करके रखोगे और आपको याद है तो वो क्वेश्चन बच जाता है। ब्लॉक केमिस्ट्री एनसीईआरटी की पहले रट लो, मतलब तुम देखोगे कि 80% क्वेश्चन जो रिएक्शन वाले रहते हैं वो एनसीईआरटी में दिए रहते हैं, और वो टॉपिक जो एनसीईआरटी में है और सिलेबस में भी है उनकी तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से रिएक्शन आती है, तो उसको रोज रोज पढ़ते जाओ। नाओ फिजिकल में, फिजिकल मोस्ट प्रोबेबली, मतलब मेरे को जो लग रहा है अभी तक जैसे मैंने देखा हूँ, क्लास नोट से डायरेक्ट रट किया जाएगी। तो क्लास नोट्स में जैसे जो जो क्वेश्चन कराए हैं सर ने, वो क्वेश्चन आपको प्रॉपर समझ में आने चाहिए कि क्यों कराए हैं, कैसे कराए हैं, कोई डेरिवेशन है तो वो डेरिवेशन प्रॉपर समझ में आना चाहिए। और जैसे आयनिक टाइप के चैप्टर हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, कुछ हद तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, ये चैप्टर कोचिंग वाले बहुत कराते हैं और उनसे क्वेश्चन आते भी हैं, बट वो ऐसा है कि एक क्वेश्चन आएगा या दो क्वेश्चन आएगा और उसके चक्कर में आप बाकी चैप्टर्स को नहीं छोड़ सकते जो आपको इजीली मार्क्स दे सकते हैं। तो किसी भी एक चैप्टर को कोई बोल दे कि तुमको प्रोबेबिलिटी पीएनसी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रोटेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आयनिक इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हाँ तो वो है, बट इंपॉर्टेंट से ज़्यादा आपको ज़रूरी है कि मार्क्स आने चाहिए एग्जाम में। तो मार्क्स लाने के लिए आप फिजिकल के सारे ही चैप्टर पढ़ लो और उनके क्लास एग्जाम्पल भी करके आपने यदि मिनिमम एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन कर लिए तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन एडवांस वाली शीट या एडवांस एमपी क्लियर कर ली तो भी आपकी बहुत अच्छी रैंक आ सकती है, बहुत अच्छी इन द सेंस लाइक जो आपका पोटेंशियल है, जैसा कि अभी आपकी आ सकती थी उससे आप बहुत जब कर लेंगे। तो इन चैप्टर्स में ज़्यादा फोकस करें। एक बात ये है कि मान लो जो चैप्टर मैंने बोला वो एडवांस में नहीं आए तो ये नहीं सोचना कि अरे अब हम क्या करेंगे, सबके साथ ऐसा ही होता है। तो मेन चीज़ ये है कि आप अपना अंदर से विल पावर स्ट्रॉन्ग रखें कि यदि मेरा अकेला गलत हो रहा है तो ऐसा नहीं मैं अकेला बेवकूफ़ हूँ, दुनिया बेवकूफ़ों से भरी पड़ी है, यही सोच मैं एग्जाम देने गया था। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले कवर करना, सारे चैप्टर्स की कवरेज होनी चाहिए, और मजा दो एडवांस में। ऑल द बेस्ट।